से भरा तेरी जेब में फिर निकाल ली। मैंने समझा कि साहब भूल गए, पर अपनी हरकतों से कौन बाज आता है। नहीं नहीं अरे मुंशी, मैं ज्यादा नहीं पीता, कभी कभी ज्यादा पी लूं तो मेरा पेट खराब हो जाता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे सीधा देखो। जी मैं चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, गाड़ी चल रही है। ये जो मेरा घर है, होती के दूध से भरा, परफेक्ट लड़की। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उसका नाम क्या है? जी नहीं, इतनी तेज मत बनो, बाद में बता दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर उस लड़की ने प्यार में इनकार कर दिया तो फिर क्या करोगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो, ऐसा हुआ तो मैं गुड़ खा के मर जाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, अगर उसने प्यार में हाँ कर दी तो मेरी हवा निकल जाएगी। सदाफ, सदाफ। ये अम्मी जी आ गई हूँ, पूरा शहर फिर कर जाते हुए बताया भी नहीं है। क्यों अम्मी जी, आपने कोई चीज मंगवानी थी? हाँ, नसवार खत्म है सवेर की। किसके साथ आई हो? अम्मी दोस्त के साथ। दोस्त के साथ? उसी के साथ की जो मोहब्बत के दावे करता है किसी और के साथ और पूछता तदबीरें तुझसे है। क्या बता रही थी उसे, मुझे फोन आया है। अम्मी तुम भी ना, वो मुझसे बेचारा मोहब्बत करने के तरीके पूछ रहा था। मोहब्बत के तरीके पूछ रहा था? आई बड़ी हकीम मोहब्बत के तरीके बताने वाली। क्या शक्ल गायब करो, मेरे लिए चाय बनाओ, सर को दर्द है। ये जो मेरा पीडर है। अरे मुंजी, तेरी बेटी को तो सही तरीके से रोड क्रॉस करना भी नहीं आता, तो मैंने सोचा कि मैं उसको एक गिफ्ट में गद्दी दे दूं ताकि वो आसानी से रोड क्रॉस कर सके। लेकिन मेरे पास 3-4 गद्दियां पहली भी हैं, इतनी लीद कौन समेटेगा? सर बिलाल अब्दुल्ला, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे पागल, शादी कर ली तो सारी जिंदगी लेतर खाने पड़ेंगे, ये अय्याशी तो गई। हेलो, हाँ हाँ अम्मार, आप बताओ। ये शोर किस चीज़ का है पीछे? हाँ वो भाई की बर्थडे की पार्टी शुरू है ना, तो उधर शोर था, तो अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी जी आप बताओ। हाँ अम्मार आप बताओ। दरअसल बात ये है ना, मैं आपसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। क्या, ये तो बड़ी चंगी गल है।